Hello everyone, it's Biku and welcome back to my channel. And today I'm going to answer your questions. So actually I posted on my Instagram and also on my YouTube community post that if you have any questions then ask me and I'm going to answer in a video. So this is our first Q&A. Actually पहले भी मैंने Q&A किया था but उसमें guitar related queries नहीं थी, वो differently Q&A था related to life, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन. पर आज का Q&A जो है वो टोटली गिटार बेस्ड है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो हियर गोज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. हाउ टू प्ले बार कोर्ड्स ईजिली. सी, बार कोर्ड्स ईजिली प्ले करने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. अगर आपको बार कोर्ड्स प्रैक्टिस करते हो, अभी सिर्फ कुछ ही टाइम हुआ है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बार कोर्ड्स ईजिली प्ले होने लग जाएँ, तो नो, इट वॉन्ट हैपन इन फ्यू वीक्स. तो जब मैंने बार कोर्ड सीखी थी तो मुझे 2 महीने लगे थे बार कोर्ड्स सिर्फ प्ले करने में, लाइक थोड़ा उनको जानने में और अच्छे से प्ले करने में. तो ये मान लो कि बहुत 4-5-6 महीने आराम से लग गए थे अच्छे से प्ले करने में, जिसमें मैं स्मूथली ईजिली मूव कर सकती थी अक्रॉस फ्रेटबोर्ड. तो उस चीज़ में काफ़ी टाइम लगा था. तो अगर आपको लेकिन जल्दी सीखनी है तो मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि डेली प्रैक्टिस करो और सॉन्ग्स के साथ प्रैक्टिस करो. जब हम ऐसे ही प्ले करते रहते हैं ना कॉर्ड्स, तो हमारे को मज़ा नहीं आता प्ले करने में. पर अगर यार यहाँ पे ना क्रो है, मुझे नहीं पता उसकी आवाज़ कितनी लाउड आ रही होगी इसमें, प्लीज़ इरिटेट मत होना. जैसे कोई एक ईजी सॉन्ग पकड़ लो पहले, जिसमें एक बार कोड आप प्ले करो और बाकी बार कोड्स ना हो, बाकी नॉर्मल ओपन कोड्स हो. फिर उसके बाद सेकंड सॉन्ग में आप 2 बार कोड्स पकड़ लो, फिर 3. तो इस तरह से प्रैक्टिस करो. इससे क्या होगा कि आपकी बार कोड्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ के साथ आप सॉन्ग भी सीख लोगे और आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ इंप्रूवमेंट की है. जब तक हम सॉन्ग नहीं सीखते ना, तब तक हमारे को लगता नहीं है कि हमने कुछ सीखा है. तो सॉन्ग के साथ प्रैक्टिस करना इज रियली कैन मोटिवेट यू टू प्रैक्टिस योर गिटार एवरी सिंगल डे. मैं हमेशा से गिटार लेकर बैठता हूँ बट मुश्किल से 10 मिनट ही बैठ पाता हूँ. कैसे कंटिन्यू करूँ इसको. सी, आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन, आर यू रियली इंटरेस्टेड इन लर्निंग गिटार. हो सकता है कि जब आपने गिटार ख़रीदा था और जब आपने सीखने के बारे में सोचा था, तब आपके पास एक रीज़न हो जिसकी वजह से आप गिटार सीखना चाहते थे. बट अब वो रीज़न काफ़ी रस्टी हो चुका है. अब आपको वो रीज़न इंपॉर्टेंट नहीं लगता गिटार सीखने के लिए. सी, यू नो व्हाट, अगर आपको कोई चीज़ लंबे समय के लिए करनी है ना, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए कि वाई डू यू वांट टू डू दैट थिंग. इफ़ यू डोंट हैव दैट वाई देन, और यू हैव वीक वाई, देन मे बी यू आर गोइंग टू डू दैट थिंग फॉर फ्यू वीक्स टू मंथ्स एंड देन यू विल स्टॉप डूइंग दैट थिंग. सो ask yourself if you're really interested in learning guitar, and if yes then what is stopping you, why are you not being able to practice. ye bhi ho sakta hai ki aap thode impatient ho, please don't mind, I'm also very impatient person. ki jab bhi aap learn karte ho kuch aur aap jaldi nahi seekh pate aur aap frustrate ho jate ho aur fir aap guitar chhod dete ho. see, शुरू में फ्रस्ट्रेशन आना इज़ वेरी नॉर्मल. मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी गिटारिस्ट होगा जो फ्रस्ट्रेट कभी ना हुआ हो गिटार प्रैक्टिस के टाइम पे. इफ़ यू डोंट हैव इंटरेस्ट यू वुड नॉट डू इट. हाउ टू लर्न गिटार ऑनलाइन. ऐसा एक और सिमिलर सा क्वेश्चन है. व्हाइल लर्निंग गिटार ऑनलाइन व्हाट ऑर्डर शुड वी फॉलो, कॉर्ड्स एंड ऑल. ओके, आई एम गोइंग टू आंसर दीज 2 क्वेश्चंस टुगेदर. सी, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग. YouTube पे जाओ या Google पे जाओ और सीधा सर्च करो गिटार लेसन्स फॉर बिगिनर्स. अगर आपको कोई भी गिटार की नॉलेज नहीं है तो आप ये जाके सर्च करो. फिर आपके सामने आएगी कॉर्ड्स, स्ट्रमिंग पैटर्न, ये पहली चीज़ें आपको दिखना शुरू होंगी. फिर आप उनके बारे में सर्च करो और बस सीखना शुरू कर दो. इतना मत सोचो कि आपको कौन सी चीज़ें पहले करनी चाहिए, जस्ट डू इट. जस्ट सर्च बिगिनर्स लेसन्स और उसके बाद जो फर्स्ट आपको दिखता है जस्ट डू इट. आपको सर्च करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपने सर्च करके रखा है, क्या वो आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं, कि बस आपको सर्च करते हो, वीडियो देखते हो और उसके बाद भूल जाते हो. तो इसलिए जो वीडियो आपने सेलेक्ट किया है वो देखो और जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ ये लेसन मुझे सीखना है, वो लेसन अगले दिन सीखो. मान लो जैसे आपने पिछले दिन रात को देखा तो अगले दिन वो लेसन सीखो और उसके बाद आगे और सर्च करो, फिर वो लेसन सीखो. ऐसे करके आपको अपने आप चीज़ें पता चलने लग जाएंगी, आपको अपने आप चीज़ें आपके सामने आने लग जाएंगी. तो जब जैसे मैंने फिंगर स्टाइल स्टार्ट किया था, तो मुझे नहीं पता था फिंगर स्टाइल क्या होता है, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था. मैंने बस जाना फिंगर स्टाइल लेसन 1, फिर कुछ आया होगा जैसे फिंगर पिकिंग पैटर्न्स या बेसिक थिंग्स, थोड़े बहुत रूल्स, फिर मैंने वो सीखना शुरू किया. फिर उसके एक दिन गैरेथ एवेंस के बारे में पता, मुझे गैरेथ एवेंस के बारे में पता चला कि वो ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, तो उनसे मैंने 1-2 सॉन्ग सीखे. फिर कुछ टेक्निक्स बीच में मैं अटक जाती थी, तो उन टेक्निक के बारे में सर्च करने की कोशिश की. मुझे टेक्निक का नाम भी नहीं पता होता था, तो जो मेरे दिमाग में आता था, जैसे ये रोलिंग सी हो रही है तो उसको फिंगर रोल बोल दिया, कुछ भी, मतलब जो भी मेरे दिमाग में आता था वो करके सर्च कर लेती थी. या
बाद जो अलग अलग वीडियोस देखती थी फिंगर स्टाइल की, और उसको स्लो मोशन में प्ले करके फिर देखने की कोशिश करती थी कि एक्चुअल में क्या प्ले हो रहा है, क्योंकि फास्ट मोशन में हमें नहीं दिखता, तो ऐसे करके प्रैक्टिस होती थी। तो ऑर्डर के बारे में इतना मत सोचो, जस्ट जो पहले चीज़ आ रही है उसको लर्न कर लो, बस दैट्स द की। सर्च, फाइंड, लर्न एंड प्रैक्टिस। तो बस जो भी दिखता है प्रैक्टिस करो। डू यू प्ले इलेक्ट्रिक गिटार? इफ़ येस, देन वट इज़ योर फेवरेट रिफ ऑन इलेक्ट्रिक? नो, आई हैव नेवर प्लेड इलेक्ट्रिक गिटार, सो आई रियली डोंट नो एनी थिंग अबाउट इलेक्ट्रिक गिटार। आई बॉट अ गिटार फ्रॉम फ्लिपकार्ट, माई गिटार ट्यूना ऐप डजेंट शो टू स्ट्रिंग्स इवन आफ्टर पिकिंग, इवन आफ्टर प्लकिंग एवरी टाइम, टेल मी। कि मेरे ख्याल से तो आपके ऐप में कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर आप स्ट्रिंग प्ले कर रहे हो तो उसकी आवाज़ तो आनी चाहिए। आई डोंट नो, आपको चेक करना पड़ेगा। कैन यू मेक अ लेसन ऑन हार्ट बीट स्टाइल स्ट्रमिंग? ओके, सी टू बी ऑनेस्ट, मैंने हार्ट बीट स्टाइल स्ट्रमिंग कभी भी नहीं की। सो हार्ट बीट स्टाइल स्ट्रमिंग के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट अगर मैंने कभी सीखा तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। विच गिटार शुड आई बाय एंड फ्रॉम वेयर? आई मीन आई नीड अ गुड क्वालिटी गिटार, सो हेल्प मी आउट। So I'm going to make more videos on this topic, so I think you have to wait for that. Best guitar for beginners out of these? Yamaha FS310. FS310 कौन सा? F310 आई गेस, आई डोंट नो। Yamaha FS100C, Fender SA105CE। ओके, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग टुडे, कि कई लोग मुझे मैसेज करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि फेंडर का 1 2 3 4 5 6 गिटार और यामाहा का 1 2 3 4 5 6 गिटार, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों में से कौन सा बेटर है, ये क्या है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे सब गिटार्स के बारे में नहीं पता और किसी को भी नहीं पता। नहीं, मैं आपको ऑप्शंस दे सकती हूँ कि बजट गिटार्स में यू कैन गो फॉर यामाहा F310, यस यू कैन गो फॉर FS100C। इन दोनों गिटार्स के बारे में मुझे पता है, लेकिन मुझे फेंडर के बारे में नहीं पता। तो मुझे सब गिटार्स के बारे में नहीं पता। अगर आपको ये जानना है कि कौन सा गिटार आपके लिए ज़्यादा बेटर है, तो आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, इसके ऊपर बहुत सी वीडियोज़ हैं। और अभी मेरी वीडियोज़ भी फ्यूचर में आएंगी, पर वो कब आएंगी वो भी आइडिया नहीं है। तो देखो मैं आपको सारे, मेरे को हर इस दुनिया में जितने भी गिटार एग्जिस्ट करते हैं उन सबकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी होगी, और मैं आपको कैसे बता सकती हूँ? मेरे को भी जाके ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताऊँगी। तो आप वो ऑनलाइन सर्च खुद कर लो ना कि कौन सा गिटार आपके लिए बेस्ट है और कौन सा नहीं। पर जैसे इसमें से है यामाहा F310 के बारे में मुझे पता है, यामाहा FS100C के बारे में मुझे पता है, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाना है जो मैं कोशिश करूँगी सितंबर में आ जाए। बट आई पर्सनली लाइक FS100C बिकॉज माई हाइट इज़ शॉर्ट, और ये गिटार काफ़ी कंफर्टेबल है शॉर्ट पीपल के लिए। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, लाइक आई एम 5'3", तो मेरे लिए यामाहा FS100C इज़ गुड। बट इफ़ यू आर अ टॉल पर्सन, देन यू कैन गो फॉर F310 बिकॉज इट्स अ बिग गिटार, इट्स अ बिग गिटार टू मी, इट्स अ वेरी बिग गिटार। और जितने गिटार्स के बारे में मुझे पता है उनके ऊपर मैं वीडियोज़ बनाने वाली हूँ फ्यूचर में, तो तब तक आप वेट करो। ओके, कितने साल हुए गिटार प्रैक्टिस करते हुए? ओके, तो मैंने गिटार सीखना शुरू किया था सितंबर 2014 में, और 2017 में जो है मेरे को रिस्ट प्रॉब्लम हो गई थी, और तब से मैं फिंगर स्टाइल प्ले नहीं करती हूँ। इनफैक्ट मैंने तब से गिटार प्ले ही नहीं किया है, बस 2018 में बीच में 2 महीने के लिए किया था, और उसके अलावा मैंने बिल्कुल भी पिछले तीन सालों से गिटार प्ले नहीं किया है। तो अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो वैसे तो मैंने गिटार 2014 में स्टार्ट किया था, अगर ये इंजरी नहीं होती तो आज 5-6 साल हो गए होते। बट या मैंने सिर्फ 2.5 साल ही गिटार की प्रैक्टिस की है, उसके अलावा मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की, सो 2.5 ईयर्स। वेयर डू यू लिव? डिस्क्राइब योर यूट्यूब जर्नी। ओके, आई लिव इन चंडीगढ़। और यूट्यूब जर्नी का कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है। मैंने 2016 या 2017 के आसपास 16 में वीडियोज़ डालना शुरू किया था, तब मैं रेगुलरली नहीं डालती थी। 2016 के एंड में मैंने रेगुलरली डालना शुरू किया था, और 2017 तक मैं डाल रही थी ऑलमोस्ट हर महीने एक या दो वीडियो, और फिर उसके बाद से मैंने बिल्कुल भी प्ले नहीं किया। सो मेरी यूट्यूब जर्नी जो है वो बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ रास्ते की तरह है, इट्स नॉट स्ट्रेट रोड और समथिंग। सो अभी तक मैं खुद अपनी यूट्यूब जर्नी समझ नहीं पाई, जैसे मैंने गिटार स्टार्ट किया था और फिर कब मुझे गिटार छोड़ना पड़ा, और अब मैं गिटार क्लासेस दे रही हूँ जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी करूँगी यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे सिर्फ फिंगर स्टाइल प्ले करना था। बट इट्स लाइफ, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता कि आप नेक्स्ट क्या कर रहे होंगे, तो
कुछ स्पेशल नहीं मेरी यूट्यूब जर्नी पर. जब मेरी वीडियोस में व्यूज़ आना शुरू हुए तो मेरी रिस्ट में प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से मैं गिटार प्ले नहीं कर पाई. स्पेशली अब मैं फिंगर स्टाइल प्ले नहीं करती हूँ, तो अब मैं गिटार क्लासेस दे रही हूँ. कभी कभी बीच में म्यूज़िक वीडियो डाल देती हूँ या कोई डिफरेंट वीडियो अबाउट लाइफ और लाइफ एक्सपीरियंसिस और एनीथिंग लाइक दैट. सो माई यूट्यूब जर्नी इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग एंड वेरी डिफरेंट, और यू कैन सी यूनिक. आई एम नॉट गोइंग टू से इन अ बैड वे, बट आई कैन नॉट इवन से इन अ गुड वे. It's a very complicated YouTube journey. Any originals to expect? I'm not sure about it. I don't think so, because as I said that I don't play guitar anymore like before. So I really don't know if I'm going to ever be able to pursue music as a career. I don't know. I'm just doing whatever I can. And let's see what happens. You know, kahi baar kya hota hai ki phal ki chinta mat karo, bas karm karte jao. So I am doing that right now. Okay. Okay, and please give some important tips before buying a guitar as a beginner. So I already have a video on this topic, so I will leave the link in the description box below and you can see that video. और बाकी और टिप्स के लिए मैं अभी वीडियोज़ बनाऊँगी. एक दो वीडियोज़ मैंने और बनानी है इस टॉपिक पर, तो आप तब तक वेट करो. When did you start learning guitar and what was your first guitar price and brand? Okay, see, I started learning guitar in September 2014 and my first guitar was Caps and brand is Caps, of course. So price was around 6500, जो कि मुझे लगता है मुझे मैंने ज़्यादा प्राइस दिया था क्योंकि मुझे उस टाइम गिटार की नॉलेज नहीं थी. उसका प्राइस आई थिंक 5000 के आसपास है, बट मुझे 6500 तक मैंने पे किए थे. Okay, so yeah, the Caps was my first guitar. Most people try to learn guitar using pick on YouTube and you teach fingerstyle that might hinder. See, I don't think so it is going to hinder. It depends on how much practice you do. If you do good amount of practice with pick, then you're also going to learn to play guitar with the pick. And if you do good amount of practice for fingerstyle, then you're going to learn fingerstyle also. It's like you have ABCD secret, aap ka ka ga mat sikho. ऐसा कुछ नहीं है, आप सीख सकते हो. आप पिक से प्ले करना भी सीख सकते हो, आप फिंगर स्टाइल भी कर सकते हो. आई कैन ऑल्सो प्ले गिटार विद पिक एंड आई कैन ऑल्सो प्ले फिंगर स्टाइल. तो एक बार शुरू में आप थोड़ा सा पिक से प्ले करना सीख लो, और जब आपको लगे कि पिक से आप ठीक से कर पा रहे हो तो आप फिर फिंगर से प्ले करना शुरू कर दो. सो जस्ट डू वन थिंग एट अ टाइम एंड यू कैन डू बोथ, नो इश्यूज. आर यू सिंगल करेंटली? यस, आई एम सिंगल. एंड नाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू से दैट शी इज़ लाइंग. आई एम नॉट लाइंग. I don't have any problem. If I had a boyfriend, then I would have told you this thing. I don't have any problem with that. How old were you when you started learning guitar? I was 20 years old. I was about to turn 20 at that time. And right now I'm 25 years old. Bar chords kaise play kare and gorgeous teacher. थैंक यू. ओके, बार कोड्स प्ले करने के बारे में इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले कर चुकी हूँ. प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. व्हाट इज़ योर एज? आई एम 25 ईयर्स ओल्ड. कोड शिफ्टिंग लेसन प्लीज. इसके ऊपर एक्चुअली मैंने वीडियो बनाना है प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक या से नेक्स्ट वीक, सो वेट फॉर इट. एंड एक्चुअली ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक टिप्स का वीडियो ज़रूर बनाया हुआ, अगर आपको वो देखना है तो आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. बट एक्सरसाइजेज के ऊपर, कोड शिफ्टिंग एक्सरसाइजेज के ऊपर वीडियो जो है वो मैं इस नेक्स्ट टू वीक्स के अंदर अंदर डाल दूंगी. हु इज़ योर फेवरेट फैन हियर? माई फेवरेट फैन इज़ द वन हु वॉचेज एड्स in my videos. As you know that I have very less views in my videos. I don't have enough views to generate enough income. तो अगर कोई मेरी वीडियो देखता है और उसके साथ वो सिर्फ एक ऐड भी देखता है ना, तो दैट पर्सन इज इन माई हार्ट एंड आई लव दैट पर्सन. आई लव यू. वट इज विच इज़ योर फेवरेट बैंड? माई फेवरेट बैंड इज BTS, ऑफ कोर्स. इट्स अ कोरियन बैंड ऑफ 7 बॉयज एंड I love them all. I love their songs. They're my favorite. Graduated? Yes, I am graduated. Hame jaanti ho? No. How did you manage to deal with finger pain initially? See, agar aapko fingers mein pain ho rahi hai to aap thoda rest kijiye, zyada force mat kijiye khud ko, aur icing kar lena. Icing karne se kafi aaram milta hai, and then do your practice next day or maybe after 1 or 2 hours, and yeah, icing is the best thing you can do. How many guitars do you have and which guitar you have? Okay, I only have one guitar, that is Faye the Polo Venus. How many years it takes to be a pro in guitar? I want to play guitar just like you too. It takes time. It depends on what you want to learn. If you want to learn strumming, then it may take few months to 6 months.
एंड इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न टू प्ले फिंगर सेल दैन इट मे टेक वन ईयर दैन इट मे टेक वन ईयर टू बिकम गुड एट इट इफ़ नॉट परफेक्ट सो If you practice every single day for at least 2 hours, then maybe 2 to 3 years. PUBG banned. Okay, I don't play PUBG. मैंने एक दो बार खेली है पहले, but I play COD. Okay, देखते हैं COD ban होती है कि नहीं. Ma'am, we have a WhatsApp group about guitar music lovers. If you can give us some tips in a group. I am giving you tips on YouTube and I think that's enough. I don't think so that I'm going to join your WhatsApp group. Why did you leave playing the guitar for a while? I didn't leave playing guitar for a while. I have left playing guitar at all. I mean, I'm talking about fingerstyle here. So right now I'm giving you guitar classes. That's why maybe you're thinking that I am playing guitar, but I don't play guitar at all because of my wrist injury and I am not going to play in future too. How to record a guitar cover without any mistake? It's not possible to record your guitar cover without a mistake. We always do mistake, but I think practice that piece so much that you can play that piece with eyes closed. Yes, I used to do this thing, but I still remember it. Whenever I used to record a guitar cover, I would sit in my room for 2 to 3 hours, and after 2 or 3 hours, I would get a perfect piece done. It's all about trying again and choosing your best piece. But that best piece also going to have some mistakes, so be okay with that. I am feeling very tired now and I'm going to answer your questions next time. And till then, bye-bye.